जो भी कुछ होना है वो अभी के अभी होना चाहिए, ये विश्वास लेकर बैठे। क्योंकि इस दरबार में जिसको भी मिलता है वो तत्काल मिलता है, बस जिसे नहीं मिल रहा है उसका स्वयं का मानस पवित्र नहीं है, और या तो उसमें स्वयं में कहीं कुछ कमी है। बर्तन और पात्रता अगर ठीक ना हो, गौर से सुनना, यदि बर्तन साफ ना हो, यदि बर्तन अच्छा ना हो, बर्तन अगर टूटा हुआ हो तो कहते हैं सामग्री गिर ही जाती है। एक श्लोक है वेद का, कहते हैं अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशमृतम। अपात्र को दान भी नहीं देना चाहिए। एक बात कहूं, जब भी तुम्हारे सामने कोई हाथ फैलाकर भीख मांगता है, गौर से सुनना, मैं इस व्यासपीठ से बिल्कुल नितांत अपना मत कह रहा हूं, इसे बिल्कुल मेरा मत मानकर और मुझे अबोध मानकर इस बात को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं इसे पूरा अबोध मानना और इस प्रकार से सुनना जैसे तुम्हारा अपना कोई तुम्हें बात बता रहा है, ये कथा की बात नहीं, ऐसा ना समझना। बस तुम इस प्रकार से सुनना, इस कदर सुनना जैसे तुम्हारा कोई अपना बातों बातों में कुछ कह रहा हो। जब तुम्हारे सामने कोई हाथ फैलाकर भीख मांगे तो कभी कभी तुम्हें दया आती है और तुम दे बैठते हो, और कभी कभी तुम उसे ज्ञान दे बैठते हो। मैं दोनों ही बातों के लिए तुम्हें रोक रहा हूं, ना तो ज्ञान देना और ना तो दान देना उसको। ऐसा क्यों नहीं करना मालूम? ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम प्रकृति के नियम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रकृति के नियम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। अरे वो लक्ष्मीपति, वो परमपिता परमात्मा महादेव जिसके आशीष से लोग कुबेर बन जाते हैं, आप कथा में सुनेंगे, अगर उसे उसे देना होता तो भिखारी बनाकर क्यों पैदा करता और भिखारी बनाकर क्यों रखा होता, जरा विचार करना। तुम्हारे कुछ चंद पैसे देने से क्या वो सच में अमीर हो जाएगा? एकदम ऐसा नहीं होने वाला। मैं इसके टोटल विपक्ष में हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारे गुनाहों में बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे गलत कामों में लोगों की लिप्तता बढ़ रही है। लोग जबरन बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। मैं आपसे एकदम ये बहुत विपक्षता से, बहुत निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं, आनंद के साथ इस बात को सुनना और वैसे ही समझना। प्रयत्न करना कि अगली बार जब तुम्हें कोई मांगे, जब तुमसे कुछ कहे, तो प्रयास करना कि उसे न दें, प्रयास करना कि अपने आप को रोक पाए, प्रयास करना कि अगली बार जब भी कोई तुमसे कुछ मांग बैठे तो तुम प्रयत्न करना, तुम प्रयास करना कि उसे काम देने की बात कहना, उसे बोलना तुम कुछ काम करो हम तुम्हारी मदद करेंगे, उससे कहना तुम नौकरी करो हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसे कहीं नौकरी दिलाने की बात कहना। मैं आपको सच बता रहा हूं, 100 में से 99 लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए नौकरी। दान देते समय तुम प्रकृति में बाधा उत्पन्न कर रहे हो और उसको कह रहे हो जाओ तुम भिखारी ही रहना। क्या कह रहे हो दान देके? तुम कह रहे हो जाओ तुम भिखारी ही रहना, तुम्हारी ये प्रवृत्ति बन जाए, तुम्हारा ये नेचर बन जाए, तुम्हारा ये स्वभाव बन जाए और तुम ऐसे ही बने रहना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो उन्हें आशीष दो और उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें बोलो भीख नहीं मांगना, तो कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरे घर आओ, मेरे घर में काम करो, बहुत सारे काम है वो करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ, ऐसा करके अगर आप उनकी मदद करोगे तो वो सच्ची मदद होगी, अन्यथा अन्यथा झूठी मदद होगी। तो सच्ची मदद क्या है? सच्ची मदद है उनको काम बताना। किसी भी प्रकार का ऐसा दान नहीं देना। दान किसको देना? दान देना है श्रेष्ठ जगह में, दान देना है जहां पर तुम्हारा मानस समझ में आए और जहां धर्म हो रहा हो, जहां सत्कर्म हो रहा हो, जहां श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो। किसी भूखे को भोजन कराना दया है, दान नहीं है। ये दया भी उसी के जगह करना जहां सच में किसी को आवश्यकता है, ऐसा करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। अन्यथा अगर खराब जगह तुम्हारा दान चला जाए तो वो दान भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण कहती है अपात्र दीयते दानम। क्या? अपात्र दीयते दानम तद्दानम
तुम अपात्र को दान नहीं देना। कोई संत है किसी ने अपना घर परिवार त्याग रखा है और तुम्हारे लिए भजन कर रहा है, तुम्हारे लिए नित्य रोज प्रयत्न कर रहा है, तुम्हारे लिए मंदिर बना रहा है, तुम्हारे लिए गुरुद्वारे बना रहा है और तुम्हारे लिए धर्मशाले बना रहा है। मैं एक बात कहूंगा, अभी मेरे साथ किसी मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने गए, गौर से सुनना, मंदिर देख के सब लोगों ने कहा मंदिर बड़ा सुंदर बना है। मेरे सामने अगर कभी किसी ने यह कह दिया मंदिर सुंदर बना है तो मैं एक ही प्रश्न करता हूं, इस मंदिर में तुम्हारा योगदान कितना है? यह बहुत सुंदर बना है पर तुम्हारा योगदान क्या है जरा बताना। किसी ही संत ने बिचारे ने पूरे समाज में भीख मांग मांग कर थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर इसे बनवाया होगा, तुम कह रहे हो बड़ा सुंदर बना, बस इतना सा बोलने के लिए तुम हो क्या? अगली बार जब कोई मंदिर सुंदर लगे तो उसकी व्यवस्था में जाना और अंदर जाके तुम्हारे पास 10-20-50 रुपए भी हो तो देकर आना, कहना इसकी व्यवस्थाएं बनाए रखो, बड़ा सुंदर लग रहा है, इसकी सुंदरता बनाए रखना और इसको अच्छा बनाए रखना। हाँ, उस संत का बल बढ़ाना और उस संस्था को और ज्यादा बलवान करना। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके हाथ पर मजबूत करो, कमियां नहीं निकालना।